अरे रुको, आप ये अपने पास रखिए। अब ये क्या है? वो ना कल मैं बाबा जी के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए अच्छे नहीं है, आप पर कोई भी संकट आ सकता है। अच्छा। तो उन्होंने आपकी रक्षा के लिए ये ताबीज बना कर दिए, इसे आप हमेशा अपने पास रखिए, ये आपको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करेगा। देखो तुम ना अपने अंधविश्वास के चलते इतनी पागल हो चुकी हो ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि आप क्या कह रहे हैं? तुम जहाँ जाती हो ना, तुम्हारे अंधविश्वास से वो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज इसे ऑफिस लेकर जाइए, ये आपकी रक्षा करेगा। देखो तुम्हें जो करना ना करो, पर मुझे ना इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या किया आपने, मेरी बात तो सुनिए। नौ बज गए हैं, मोहित अभी तक घर नहीं आए हैं, इन्हें कॉल करके देखती हूँ। स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? मैंने इनसे कहा था बाबा जी की बात मान ले, वो ताबीज ले जाएं, पर ये मेरी सुनते कहाँ हैं? और कॉल करती हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है इनका नंबर, क्या करूँ मैं? इनके दोस्त को कॉल करूँ? हेलो जी भाभी जी, मोहित ऑफिस में है क्या? नहीं वो तो 4 बजे ऑफिस से चला गया। 4 बजे? पर मोहित अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं भाभी जी कहाँ हैं। वो आपको बता के गए कहीं? नहीं मुझे तो कुछ नहीं बताया, बिना बताए ऑफिस से निकल गया है। देखिए अगर आपको कुछ पता चले ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है भाभी जी। मोहित कहाँ रह गए? अच्छा वो तो आ गया। क्या हुआ, आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तेरे जीजा जी अभी तक घर नहीं आए, 4 बजे ही ऑफिस से निकल गए थे और मैं उन्हें फोन कर रही हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? हाँ बाबा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पति पर कोई संकट आने वाला है, उन्होंने ना ताबीज भी दिया था पर तेरे जीजा जी ने फेंक दिया। शांत हो जाओ। हनी वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? आप टेंशन मत लो, आप बैठो मैं पता करता हूँ। मोहित के बारे में पता चला कुछ आपको? नहीं। क्या वो कुछ पता चला? नहीं दीदी, हर जगह फोन कर लिया, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर आज तक उन्हें कभी नहीं हुई, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। रिजा जी आप कहाँ थे इतने टाइम से? आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आप कहाँ थे इतने टाइम से और आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा आप पता नहीं कहाँ हैं, किस हालत में, आपको कुछ हो ना गया हो। अरे जैसे ही मैं ऑफिस से निकला तो राहुल का कॉल आ गया था हॉस्पिटल से, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो और इसी बीच में मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं फोन चार्ज कर लूं। तो आप इतने टाइम से उसके पास थे? हाँ मैं वहीं रुक के उसके माँ पापा का वेट कर रहा था, वो लोग यहाँ नहीं रहते ना तो उनको आने में टाइम लग रहा था, अब अगर मैं भी आ जाता तो वो बेचारा हॉस्पिटल में अकेला रह जाता, तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल में रुक के अंकल आंटी का वेट कर रहा था। पर अमन तू यहाँ कैसे? वो मुझे दीदी ने कॉल करके बुलाया था। अच्छा, वो आपका कॉल नहीं लग रहा था और दीदी ने बताया कि आपने बाबा जी की ताबीज फेंक दी थी तो हमें घबराहट हो रही थी और दीदी को लग रहा था कि आप पर कोई संकट है। शता तुम पागल हो गई हो क्या? वो मैं तो बस। अरे अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया था और तुम्हारा ये बाबा झूठा है? अरे देखो जैसा तुम्हारे बाबा ने बोला ना वैसा कुछ नहीं हुआ और ना कभी होगा। अरे ये लोग सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं और तुम्हारे ट्रस्ट का फायदा उठा रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी। ये जो तुम्हारा डर है ना यही उनका व्यापार है, इसी को वो बेच के पैसे कमा रहे हैं। मैं समझ गई हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं जो कर रही थी वो बहुत गलत, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, चलो अच्छा है कि तुम्हें समझ में आ गया।
अंदर चलते हैं। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.